पटना पुलिस ने 23 दिन बाद रुपेश हत्याकांड का खुलासा किया था। तब रुपेश की ऋतुराज ने हत्या की थी, ये बात किसी के तब भी गले से नहीं उतरी। पुलिस का कहना था कि ऋतुराज को हत्या के दिन तक नहीं पता था कि रुपेश सिंह का स्टेटस क्या है। पटना पुलिस के इस थ्योरी पर तभी शक जाहिर किया गया था कि अगर कोई एक महीने तक लगातार किसी की रेकी करता है तो उसे पीड़ित के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी कैसे नहीं मिलेगी। पटना के चर्चित हाई प्रोफाइल रुपेश सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन अब पटना पुलिस की पूरी जांच पर कई सवाल उठ गए हैं। खास तौर पर आरोपी ऋतुराज की पत्नी साक्षी के गंभीर आरोपों के बाद सवाल ये है कि पुलिस का खुलासा सही है या नहीं। रुपेश सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋतुराज की पत्नी ने कहा है कि पटना पुलिस द्वारा चीरहरण करने की कोशिश की गई। आरोपी के पत्नी का कहना है कि पटना हवाई अड्डा थाने में उन्हें ले जाया गया और उसके पति ऋतुराज के सामने कपड़े उतरवाने की बात कही गई। साक्षी ने पटना पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने ऋतुराज से कहा कि अपना गुनाह कबूल करो, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का कपड़ा उतार दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उसका स्वेटर उतरवाया गया और उसकी पिटाई भी की गई। दो दिन बाद उन्हें थाना से रिहा किया गया। यानी कि अभियुक्त की पत्नी का आरोप है कि पटना पुलिस ने ऋतुराज से जबरन हत्या करने की बात कबूल करवाया है। रुपेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज की मां एक स्कूल में टीचर है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके पति को यानी कि ऋतुराज के पिता को पुलिस ने दो दिन बाद छोड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके आंख पर भी चोट के निशान थे और वे लौटने के बाद अपने ईंट भट्टे पर काम के लिए चले गए थे। ऋतुराज के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर उसे जबरन फंसाने का आरोप लगाया। और वहीं आरोपी ऋतुराज की पत्नी का आरोप है कि ऋतुराज के पास से जो पिस्तौल बरामद बात पुलिस कह रही है, दरअसल वह हथियार लेकर पटना पुलिस ही उनके घर पहुंची थी। ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने बताया कि ऋतुराज के पास फिलहाल दो बाइक है, उन्होंने उसे बाइक चोर मानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में 22 जनवरी के बाद ऋतुराज कहां था इस संदर्भ में उसके परिवार के लोगों ने कुछ नहीं बताया। आपको बता दें कि पटना पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद ऋतुराज रांची भाग गया था। पुलिस ने उसके वापस लौटने पर उसकी गिरफ्तारी, पटना पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज में ऋतुराज और रुपेश सिंह के झगड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। पटना पुलिस द्वारा रुपेश सिंह हत्याकांड के खुलासे के बाद रुपेश सिंह के परिजनों भी इस खुलासे पर अपना शक जाहिर कर चुके हैं। रुपेश सिंह के परिजन ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। वहीं मुख्य आरोपी ऋतुराज की पत्नी ने भी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। इसके अलावा विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी कई नेता इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। पटना से आरोही सिंह की रिपोर्ट, मघी आवाज़।